नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 मानव शक्ति का जीवंत उदाहरण, मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 को अधिक समावेशी मंच बनाया। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, भारत अब एक विश्वसनीय सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला साझेदार। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में खाबू पर फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोट में 8 लोगों की मृत्यु, 5 अन्य घायल। भारत आज ओमान में महिला एशियाई हॉकी FIS विश्व कप क्वालिफायर में टैलेंट से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में महिला नीति विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां महिलाओं की क्षमता और शक्ति जुड़ती है, असंभव भी संभव बन सकता है। श्री मोदी ने कहा कि मिशन चंद्रयान भी महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि अनेक महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर भी सीधे इस मिशन से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जब देश की बेटियां इतनी महत्वाकांक्षी हो तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता में अन्य क्षेत्रों के योगदान को भी सराहना करते हुए कहा कि इस मिशन की सफलता में अनेक देशवासियों का योगदान रहा है। उन्होंने कामना की कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र सामूहिक प्रयासों से भविष्य में असंख्य सफलताएं प्राप्त करें। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने की 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन इस आयोजन में भाग लेंगे, जो G20 के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में G20 को अधिक समावेशी बनाया है। पीएम ने कहा, अफ्रीकी संघ भी इस मंच से जुड़ गया है और अफ्रीका के लोगों की आवाज पूरे विश्व तक पहुंच रही है। G20 के आयोजनों की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता और इसके ऊर्जावान लोकतंत्र को देखकर सम्मेलन के प्रतिभागी बहुत ही प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय साझेदार है। आज नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब विश्व को दवाइयों की जरूरत थी, तब भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आपसे विश्वास बहाल करने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जो महामारी के दौरान नष्ट हो गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत औद्योगिक विकास क्रम में डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय क्षमता को समृद्धि में, बाधाओं को अवसरों में, आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने की सामर्थ्य रखता है। उन्होंने कहा कि निरंतरता अवसर और व्यवसाय मॉडल दोनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीअन्न पोषक खाद्यान्न होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और छोटे किसानों के लिए लाभकारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान मिशन की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है और इसी के साथ भारतीय उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निजी कंपनियों ने भी इसमें योगदान किया है। उन्होंने कहा कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों की सफलता है। उन्होंने कहा कि भारत में उत्सव का मौसम चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि और नवाचारों को गति देने का उत्सव है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से सतत विकास और समानता का उत्सव है और यह B20 शिखर सम्मेलन की थीम उत्तरदायी, त्वरित, नवाचारी, सतत और न्यायोचित व्यवसाय से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाना पर्याप्त नहीं है, उपभोक्ताओं के हित पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता हित दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मुद्दों के लिए एकीकृत उपाय अपनाने पर बल दिया।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के दत्तापुकुर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 8 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हुए हैं। यह विस्फोट सुबह लगभग 10 बजे हुआ। दुर्घटना के समय कई लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सूत्र के अनुसार विस्फोट से इमारत की छत उड़ गई और मृतकों के शव दुर्घटना स्थल से 50 से 100 मीटर दूर सड़क पर बिखरे मिले। पुलिस ने इस इलाके को घेर लिया है। 3 महीने पहले भी पूर्वी मेदिनीपुर जिले के इग्रा में खादीपुर गांव में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में फैक्ट्री के मालिक भानु बाग सहित 12 लोग मारे गए थे। ओमान के सलाला में महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर में आज भारत अपने अंतिम लीग मुकाबले में थाईलैंड के साथ खेलेगा। एलिट पूल में भारत और थाईलैंड अब तक अपराजय रहे हैं। एलिट पूल में भारतीय महिला टीम 24 गोल के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 13 गोल के साथ थाईलैंड दूसरे पायदान पर है। भारत ने कल जापान को 7-1 से और मलेशिया को 7-2 से हराया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि आदित्य L1 उपग्रह तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इसका प्रक्षेपण सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होने की आशा है। तय तिथि की घोषणा 2 दिन में कर दी जाएगी। कल त्रिवनंतपुरम में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने कहा कि आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न ग्रहों पर अन्य मिशन भेजने में सक्षम है और इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार से देश की समग्र प्रगति सुनिश्चित करना है। श्री सोमनाथ ने कहा कि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि दीर्घावधि की है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से उत्साहित सोमनाथ ने कहा कि वे और उनके सहयोगी इसरो की इस महान उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं। उन्होंने भविष्य के प्रयासों के लिए भी लोगों से समर्थन बनाए रखने का अनुरोध किया। चंद्र मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद श्री सोमनाथ कल रात पहली बार तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत स्थिति में है। यह वैश्विक स्तर पर इसकी उल्लेखनीय समायोजी क्षमता और वृद्धि का प्रमाण है। सरकार ने वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वार्षिक वृद्धि दर की अमेरिका, चीन और अन्य शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर के साथ तुलना करते हुए एक ग्राफ जारी किया है। इसमें दर्शाया गया है कि भारत 5.90% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद 5.20% की वृद्धि दर के साथ चीन, 1.60% के साथ अमेरिका, 1.50% के साथ कनाडा और 1.30 जीडीपी वृद्धि दर के साथ जापान का स्थान है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच कल नई दिल्ली में 3रा उच्च स्तरीय वार्ता हुई। बैठक के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्किस ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच जारी 3 महत्वपूर्ण समझौते की प्रगति की समीक्षा की। इन समझौतों में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतक समझौता शामिल है। दोनों पक्षों ने इन समझौतों पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत बाजार में पहुंच बनाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही विश्व व्यापार संगठन के मंत्री समूह की 13वीं बैठक से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। यह बैठक अगले वर्ष फरवरी में अबुधाबी में आयोजित होगी। भारत की G20 की अध्यक्षता में सदस्य देशों के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। G20 और आमंत्रित देशों के वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस बैठक में भाग ले रहे हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद कल बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में औपचारिक रूप से विचार विमर्श भी कल होगा। बैठक में एक स्वास्थ्य में अवसर, वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच बनाने के वैश्विक स्तर पर तालमेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विविधता, समानता और पहुंच, वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के लिए संस्थागत प्रणाली जैसे विषय पर 4 सूत्र
कल 4 सत्र कल आयोजित किए जाएंगे। बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य आज मोरेरा में सूर्य मंदिर देखने भी जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।